नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में अरहर की खेती की ए टू जेड जानकारियाँ आप देखेंगे कि किस प्रकार से अरहर की खेती किया जाता है, बीज की बुआई आप कैसे करेंगे और कौन सी बीज को लेकर के आपको बिजाई करना है, कौन कौन से उन्नत किस्में हैं जिसको लगा करके आप अधिक उपज ले सकते हैं और सही से देख रेख में इसकी खेती कैसे किया जाता है, खाद का शेड्यूल कैसे रखना है, कब इसमें पानी देना है और आप अपने खेतों में अरहर के बिजाई कब करेंगे और कीटनाशक जो होता है वो कब देना होता है, फंगिसाइड का स्प्रे कब करना होता है, उसकी संपूर्ण जानकारियां बताई गई है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। तो 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 35 डिग्री से 36 डिग्री टेम्परेचर तक अच्छा माना जाता है। उसके बीच में इसकी खेती करते हैं तो अच्छे से जर्मिनेट होगा और जून से जुलाई तक पूरे महीना, दो महीने तक इसकी जो होता है कि बिजाई आप कर सकते हैं। ये रेनी सीजन होता है, इसमें अच्छे से जर्मिनेट होता है। वहीं बात करते हैं किसान भाइयों मिट्टी की। तो इसमें मिट्टी जो होता है काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी, मध्य मिट्टी जो होता है इसमें खेती आप कर सकते हैं। पीएच मान की बात करें तो 5.5 से लेकर के और 6.5 वाली जो मिट्टी होता है पीएच मान वाली, वो अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है, तो उसमें आप इसकी खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों की उन्नत किस्में कौन कौन सी आप लगा सकते हैं, जिसको लगा करके आप अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं। तो उन्नत किस्में हैं पूसा 16, अंकुर 84 और JKM 189 और RVICPH 2671, पूसा 9, रिचा 2000। ये सब जो है किसान भाइयों उन्नत किस्में हैं, इसको लगा करके आप अधिक उपज ले सकते हैं। अगर आप मार्केट से बीज लेते हैं तो वो उपचारित किया गया बीज होता है। अगर आप घर का बीज लेना चाहते हैं तो घर का बीज को उपचारित जरूर करें, तो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो आता है उसे उसको उपचारित कर ले। तो 5 किलो बीज में जो होता है 20 ग्राम मैंकोजेब को रख करके और उसे उपचारित कर ले। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रति एकड़ बीज का रिक्वायरमेंट कितना होता है। तो छोटे दाने के अगर बीज है तो आप 12 किलो रखें, अगर बड़े दाने का बीज है तो 15 किलो प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। और दोस्तों जिस खेत में आप खेती करने जा रहे हैं वहां पर सारा हुआ गोबर के अगर खाद है तो आप 10 से 12 टिलाड़ी एक एकड़ खेतों में डाल करके और उसको रोटावेटर से सम्मिलित करवा दें। अगर आप जैविक खेती नहीं कर रहे हैं, रासायनिक खेती कर रहे हैं, तो उसमें 50 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 30 किलो DAP और 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास जो होता है उसको मिक्स करके खेतों में तैयार करें खेतों को, फिर उसके बाद जो होता है कि खेतों में बिजाई करें। बिजाई की जो दूरी होता है दोस्तों वो बीज से बीज की दूरी 1 फीट रखें और पंक्ति से पंक्ति के जो दूरी होता है, जो लाइन से लाइन की दूरी होता है उसको 1 फीट जरूर रखें। और दोस्तों बिजाई करने के बाद जैसे 3 से 4 पत्ती का हो जाता है तो पहला पानी आप उसमें दे सकते हैं। अगर बारिश नहीं हो रहा है तो अगर बारिश हो रहा है तो आपको पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जैसे ही पौधा 45 से 50 दिन का हो जाता है तो इसमें इंसेक्टीसाइड और फंगीसाइड का स्प्रे करना है पहला। तो इसमें जो होता है बायर कंपनी का सोलोमोन जो आता है इंसेक्टीसाइड, उसको 12 MLA करके और M45 फंगीसाइड जो होता है उसको 40 ग्राम ले करके और इसको 15 लीटर पानी में जो होता है घोल बना करके और सभी पौधे पर स्प्रे करेंगे तो इससे आपको फंगस से और इंसेक्ट से भी जो होगा कि छुटकारा मिलेगी। और किसान भाइयों अरहर की खेती जो होता है हर राज्यों में अलग अलग विधि से किया जाता है। बहुत से राज्यों में ऐसे खेती किया जाता है कि दोनों साइड से जो खेत होता है जिसमें चावल या धान की खेती किए होते हैं और उसके बीच में जो मेड होता है जिसे आरी बोलते हैं उसके ऊपर जो होता है कि बिजाई कर करके खेती करते हैं किसान भाइयों। और बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं जो पूरे खेतों में ही अरहर की खेती करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जैसे ये 80 से 90 दिन का हो जाता है तो दूसरा स्प्रे आपको इसमें करना जरूरी होता है। जिस समय इस पर इस प्रकार से देख रहे हैं कि फलियां लगने लगता है तो उसमें कीट का आक्रमण इलिया का वो अधिक हो जाता है, तो इसमें जो होता है कि आप इंसेक्टीसाइड कोई जो
छिड़के होते हैं उसको छोड़ करके कोई दूसरा इंसेक्टिसाइड, जैसे कि आप पहले बायर कंपनी का सुलमोन दिए थे, तो आप इसमें अब दे सकते हैं साइपरमेंथ्रिन, या नहीं तो इसमें दे सकते हैं कि इमिडाक्लोपीड जो होता है वो दे सकते हैं। तो इमिडाक्लोपीड 17.8% वाली जो होता है उसको इसमें स्प्रे कर सकते हैं। तो 15 लीटर में कि 12 ml जो होता है दवा को मिला करके, और फिर उसके बाद इस पर स्प्रे करते हैं। साथ में फंगीसाइड जरूर ले ले, उसमें 40 ग्राम जो होता है फंगीसाइड रख करके, और दोनों को मिक्स करके इस अरहर के खेतों में स्प्रे करेंगे, तो आपको फलिया में जो छेद करने वाला कीट होगा वो नष्ट हो जाएगा। जब कीट आपके फलों पर नहीं लगेगा, जो बाली लगाए होते हैं उसमें नहीं लगेगा, तो उसका दाना जो होता है वो अच्छे से बनता है, और उसमें सही सही जो दाने होते हैं वो उसके अंदर बनने लगता है, और जो इसके अंदर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है वो भी बढ़ जाता है, ताकि आपका पौधे का सही से बचाव हो सके और अच्छे अच्छे अरहर का जो फलिया होता है वो लग करके आता है दोस्तों। क्योंकि अच्छे अच्छे अरहर का फलिया जैसे ही लगेगा तो आपका उपज होगा वो बढ़ जाता है, जो आपका अरहर का क्वालिटी होता है और जो क्वांटिटी होता है उसमें वृद्धि होने लगता है, इससे आपका उपज होगा अरहर का वो भी बढ़ने लगता है। और अरहर का जो खेती होता है वो लंबे समय के लिए होता है दोस्तों, ये 7 से लेकर के 8 महीने तक जो होता है कि अरहर के खेती में लग जाता है हार्वेस्टिंग में। तो इस प्रकार से जो होता है कि अरहर के खेती आप कर करके अच्छे उत्पादन ले सकते हैं, और दोस्तों अच्छे उत्पादन के साथ साथ जो होता है कि आपको अच्छे से खेती करेंगे तो अच्छे क्वालिटी और क्वांटिटी आपको मिलेगी। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।